सितंबर का महीना शुरू हो गया है, इसका मतलब ही है कि विंटर वेजिटेबल्स को ग्रो करने का टाइम भी अब नज़दीक आ चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सितंबर के महीने में कौन कौन सा वेजिटेबल्स को ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरूजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन वेजिटेबल्स के बारे में जिनको सबसे पहले सीड से सीडलिंग ट्रे में या फिर छोटे से पॉट में ग्रो करना पड़ता है। उसके बाद जब उस पॉट में या फिर सीडलिंग ट्रे में पौधे के 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं, तब बड़े साइज के पॉट में रिपोटिंग करना होता है। नंबर 1 पे है फूलगोभी यानी कलीफ्लावर। नंबर 2 पे है कैबेज यानी पत्ता गोभी। नंबर 3 पे है टमाटर। अब हम बात करते हैं उन वेजिटेबल्स के बारे में जिनको डायरेक्ट बड़े पॉट में या फिर मिट्टी में ग्रो किया जाता है। पहले नंबर पे है मूली, दूसरे नंबर पे है कैरेट यानी गाजर, तीसरे नंबर पे है बीट रूट, चौथे नंबर पे है पी यानी मटर, 5 नंबर पे है टूर्निप यानी शलगम, 6 नंबर पे है स्पिनच यानी पालक, 7 नंबर पे है कोरिएंडर यानी धनिया और 8 नंबर पे है लेटुस। इन सभी वेजिटेबल्स को आप सितंबर में ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारे वेजिटेबल के बारे में मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई वेजिटेबल छूट गया है जो आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।